ग्वालियर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के प्रचार रथ में तोड़फोड़ कर वाहन चालक के साथ अभद्रता की गई। इस घटना के बाद प्रवीण पाठक ने वीडियो जारी कर लोगों से लोकतंत्र की मर्यादा बचाने की अपील करी। डबरा के कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र बारोल में कुछ लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के प्रचार रथ में तोड़फोड़ कर दी। प्रवीण पाठक ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में स्वच्छंदता और ईमानदारी के साथ चुनाव होना चाहिए। मैं बाहुबलियों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं और इस प्रकार से माहौल खराब करने से लोकतंत्र की मर्यादा भंग होती है। नमस्कार, आज बारोल गाँव में जिस तरीके की घटना हुई, हमारा प्रचार के रथ को रोका, तोड़फोड़ की एक जाति विशेष के लोगों ने, लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना बहुत ही शर्मनाक है। और मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में स्वच्छंदता के साथ, ईमानदारी के साथ चुनाव होना चाहिए। मैं बाहुबलियों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं और इस प्रकार से माहौल खराब करने से लोकतंत्र की मर्यादा भंग होती है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि चुनाव सामान्य तौर पर चल रहा है, इसको वैसे ही चलने दें, जातिगत आधार पर ना ले जाएं। मैं कभी भी जातिगत राजनीति नहीं करता, हमेशा विकास पर आधारित राजनीति करता हूं। मैं बारोल के कुशवाहा समाज के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग बीजेपी के भी लोग स्वतंत्र हैं प्रचार करने के लिए, कांग्रेस के भी लोग स्वतंत्र हैं। आप लोग माहौल इस तरीके का रखें कि चुनाव में कोई परेशानी ना आए और इस प्रकार की जातिवादी भावनाओं से ऊपर उठ के हमको लोकतंत्र की मर्यादा को बचाना होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।